हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। ये आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है और फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के अंदर बहुत सारा जो सिलेबस है वो दिया गया है, जिसमें मेजर स्पीशीज किस तरह हम कल्चर करते हैं, वर्ल्ड में कौन कौन सी जो स्पीशीज है वो प्रोडक्शन जो है उनकी हो रही है, तो पॉन्ड को या नर्सरी को हम पॉन्ड्स के अंदर किस तरह से हम रेयर करते हैं, टैंक्स के अंदर, लेक्स के अंदर वीड्स क्या होते हैं, प्रीडेटरी स्पीशीज कौन सी होती हैं, तो मैनेजमेंट हम किस तरह करते हैं, पॉन्ड्स की प्रिपरेशन किस तरह करते हैं, वाटर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सीड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अल्गल ब्लूम्स, एक्वाटिक वीड्स, तो फ्रेश वाटर प्रॉन्स, कोल्ड वाटर फिश, एयर ब्रीदिंग फिश, एग्जॉटिक फिश कॉप, बहुत लेंथी सर्विस जो है यहाँ पे, इसमें जो फोर्थ सीन नंबर फोर्थ पे आता है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर आपकी सर्विस के अंदर, तो उस जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर बहुत सारा दिया गया है, तो आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिश फार्म कंस्ट्रक्शन इज। तो जब हम एक फिश फार्म को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी जो चीजें हैं बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, टोपोग्राफी जो है उसको देखनी पड़ती है कि फिजिकल फीचर क्या है, सोइल आप जानते हैं सोइल बहुत टाइप्स की सोइल होती है, सैंडी क्ले, सिल्टी क्ले लोम जो होती है बेस्ट सोइल होती है जब हम फॉर्म जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके लिए। वाटर आप जानते हैं, अगर कोल्ड वाटर फिश हुई तो कोल्ड वाटर डालना पड़ता है, अगर कोल्ड वाटर फिश नहीं हुई तो दूसरा वाटर डालना है, तो ये डिपेंड करता है कि जो फिश है फिश का हैबिटेट किस पे है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर है। ये इसका जो टोपोग्राफी है, सोइल है, वाटर है, ये तीनों जो है इसी के अंदर आते हैं। ओके, ये तीनों की जो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैप क्या होता है, MAP मैप, मैप क्या है। देखिए जो MAP होता है इसका मतलब होता है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकिंग। जब कोई फिश तैयार हो जाती है उस फिश को काट किया जाता है, काट करने के बाद फिर जब फिश काट की जाती है तो उसके बाद उसको पैक किया जाता है, ठीक है ना। अब पैक करके उसकी जो शेल्फ लाइफ है, शेल्फ लाइफ को किस तरह से इंप्रूव किया जाए, ये उसी पे ये वर्ड जो है मैप जो है ये उसी को रेफर करता है। तो इसका जो आंसर आएगा फिश पैकिंग मेथड, ठीक है ना। जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकिंग का मतलब होता है कि जो हम किस तरह से इंप्रूव करेंगे शेल्फ लाइफ किसी फिश के अंदर, फिश की, ठीक है। बहुत सी गैसेस यूज करते हैं जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिससे ताकि जो शेल्फ लाइफ है वो क्या रहे, इंप्रूव हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्वाकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ। एक्वाकल्चर किसकी फार्मिंग को कहते हैं, फिशेस एंड क्रस्टेशियंस, मोलस्क्स, एक्वाटिक प्लांट्स, या ऑल ऑफ दिस। देखिए एक्वाकल्चर फिशेस को, क्रस्टेशियंस को भी किया जाता है, मोलस्क को भी किया जाता है और एक्वाटिक प्लांट्स को भी किया जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबो जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी लोरेंज मेथड। लोरेंज मेथड जो है इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। आप जानते हैं जो लोरेंज मेथड है वो किसकी एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जी हाँ वो होता है प्रोटीन्स के लिए, ठीक है ना। जब हम प्रोटीन की एस्टिमेशन देखते हैं तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, लोरेंज मेथड जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन्फुसोरिया क्या होता है। इन्फुसोरिया होता है ये एक लाइव फूड होती है जो कि फीडिंग लार्वा एंड यंग ऑफ फिशेस। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये लाइव फूड है इन्फुसोरिया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, विच इज द लार्जेस्ट फिश हार्बर इन इंडिया। आप बताइए इनमें से कौन सा जो है सबसे बड़ा फिश हार्बर है। तो सबसे पहले थोड़ा मैं आपको बताऊं कि फिश हार्बर क्या होता है। हार्बर एक होता है कि जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स फैसिलिटीज होती हैं जो कि एक्ट एज इन इंटरफेयर बिटवीन द कैप्चर ऑफ फिश, चाहे हम इसको कह सकते हैं ये आर्टिफिशियली प्रोटेक्टेड एरियाज होती हैं या बॉडीज होती हैं। तो यहाँ पे जो कोई लेडी फिश हार्बर है केरला के अंदर, ये सबसे बड़ा हार्बर माना जाता है इंडिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट FCR रेशियो फॉर फिश।
अब हम जब कल्चर करते हैं, फिश को हम कल्चर करते हैं, तो उसका हमें फीड कन्वर्जन रेशियो भी बताना पड़ता है, क्योंकि वहां पे जब हम पॉन्ड्स के अंदर, टैंक्स के अंदर या किसी और जगह के अंदर कल्चर करते हैं, तो वहां पे हमें कभी कभी आर्टिफिशियली जो है वो देना पड़ता है डाइट उनको। तो फीड कन्वर्जन रेशियो क्या होता है, ये एक एफिशिएंसी होती है कि हाउ मच फीड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ फिश। तो हमें किस तरह, कौन सी रिक्वायरमेंट से हमें जो है फीड देना है ताकि जो फिश है उसका वजन बढ़ सकता है या वो भूखी नहीं रह सकती है। तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली वो है 1:1:2.4, ये इसका जो है FCR रेट है, 1:2:4। ओके, FCR क्या हुआ, फीड कन्वर्जन रेशियो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज द शेयर ऑफ फ्रेश वाटर फिश कैप्चर इन टोटल फिश प्रोडक्शन। इसका आंसर है 55%। ठीक, विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वा कल्चर। आप बताइए इनमें से कौन सा जो है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है एक्वा कल्चर का। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल फिश फॉर एस्थेटिक पर्पज, प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिटी एंड हेल्थी फूड, रिप्लेस द ओल्ड स्पीशीज ऑफ फिशेज, रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। तो आप बताइएगा इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है। देखिए जो इसका सही आंसर है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिटी एंड हेल्थी फूड, ये इसका जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तीनों इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। Which one of the following is the largest fresh water lake in Asia? अब एशिया की हम बात करें, सबसे बड़ी लेक कौन सी है, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है इसको सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक एशिया के अंदर कहा गया है। और जो कैस्पियन सी है इसको कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ये लाई कहाँ करती है, ये किसके बिटवीन है, ये यूरोप एंड एशिया के बिटवीन में है कैस्पियन सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेनेटिकली इंप्रूव्ड रूह इज, अगर हम रूह की बात करें, रूह को जेनेटिकली इंप्रूव भी किया जाता है ताकि बहुत सारे फीमेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए आपको मैं एक रिकमेंड करूंगा, एक आर्टिकल गाइनोजेनेसिस इन फिश, गाइनोजेनेसिस इन फिश एक बुक भी आती है और बहुत सारे इसके आर्टिकल्स लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप गाइनोजेनेसिस इन फिश जो है इसको पढ़िएगा, इसमें आपको समझ आ जाएगा कि फिश के जो जेनेटिक्स है, जेनेटिकली जो भी, किसी बच्चे ने मुझे कमेंट में ये भी लिखा था कि सर जो प्रीवियस लेक्चर मैंने दिए कि नहीं सर आपने फिशेस की बात कम की है, ह्यूमंस की बात की है या बाकी की बात की है, तो वहां पे स्पेशल रेफरेंस टू फिशेस दिया नहीं गया था सिलेबस के अंदर, इसीलिए हमने फिशेस को इतना डिस्कस नहीं किया। तो ये जुआलजी है, जुआलजी जो है ये डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसमें जरूरी नहीं है कि फिशेस, कोई भी एनिमल्स हो सकता है, इसलिए इनका जो सिलेबस है वो भी इन्होंने जो दिया है इसमें जुआलजी के बच्चों को भी इन्होंने अंदर किया है, मतलब उनका उनका फॉर्म भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसका ये मतलब है कि फिशेस पे पूरा बेस नहीं होगा आपका एग्जाम। ओके, तो जेनेटिकली इंप्रूव को क्या कहा जाता है, इसका जो आंसर है वो क्या है, वो है जयंती। ठीक है ना, जयंती जो है ये इसका साइंट, ये है जेनेटिकली इंप्रूव जो रूह है उसका नाम है जयंती। ओके, विच इज ब्रैकिश वाटर बॉडी, इनमें से बताइए ब्रैकिश वाटर बॉडी कौन सी है। यहाँ पे जो पहला दिया गया वो है लैगून, फिर है सी एटॉल, वैवर डेल्टा, ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबो, जो भी ये तीनों हैं, तीनों के तीनों जो है ये ब्रैकिश वाटर बॉडीज है। विच इज श्रिम्प, श्रिम्प क्या है, आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा, श्रिम्प थोड़ा आप ही गैस कीजिए इसका श्रिम्प का आंसर क्या है, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है इसलिए आपको पता भी होगा। देखो जो पीनियस मोनोडॉन है, पीनियस मोनोडॉन को हम कहते हैं श्रिम्प, क्या कहते हैं श्रिम्प इसको हम, देखो कितने नाम है, पहला नाम है एशियन टाइगर श्रिम्प, दूसरा नाम है ब्लैक टाइगर श्रिम्प, तीसरा नाम है जेन टाइगर प्रॉन। तो ये साइंटिफिक नाम जो है इसका है पीनिस मोनोडॉन। तो आप एशियन टाइगर श्रिम्प पूछा जाए तो पीनिस मोनोडॉन है, ब्लैक टाइगर श्रिम्प का नाम पूछा जाए तो पीनिस मोनोडॉन है, जेन टाइगर प्रॉन का नाम पूछा जाए तो ये भी पीनिस मोनोडॉन है। ओके,
विच इज प्रॉन, इनमें से बताइए प्रॉन कौन सी है। देखो जो यहाँ पे पहला दिया है साइला सिरेटा, ये जो है ये है स्पीशीज ऑफ क्रैब, ठीक है, जिसको हम जेट मड क्रैब भी कहते हैं। उसके बाद है मुगल सिफेलस, इसको हम ग्रे मुलेट कहते हैं, ग्रे मुलेट आ सकता है, ग्रे मुलेट। माइक्रो ब्रैंकियम और ओसनबर्ज जो है इसको हम कहते हैं जेंट फ्रेश वाटर प्रॉन, ठीक। दैट मींस आपका जो आंसर है वो क्या है, सी, सी जो है आपका सही आंसर है। Which among these is known as aquatic chicken? यहाँ पे जो दिया गया है salmon, tuna, shark, tilapia, इनमें से बताइएगा तो aquatic chicken जो है किसको कहा जाता है। देखो जो tilapia है, tilapia को aquatic chicken कहा जाता है, ठीक। और ये कौन सी family से ये आती है या मुझे comment में बताइए, ठीक। Which is an example of urihaline? यहाँ पे दिए गए हैं मुलेट, मड स्किपर, पिनिड्स, ऑल ऑफ दी अबो। तो आप बताइए urihalines इनमें से कौन से हैं? पहले तो आपको ये समझना है कि जो urihalines हैं वो क्या होते हैं। देखिए जो urihalines हैं ये सर्वाइव करते हैं a wide range of salt concentration, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि high range of salinity। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दी वो, क्यों, जो मुलेट है, मुलेट जिसमें आते हैं रे फिनिड फिशेज आती हैं, मड स्किपर जो है जिसमें एम्फीबियस फिशेज आती हैं, पिनिड्स जो हैं पिनिड्स के अंदर मैरीन क्रस्टेशंस आते हैं, तो ये यूरीहेलिन के अंदर ही आती हैं जो ये सर्वाइव करते हैं ये वाइड रेंज ऑफ साल्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी इबो, हो गए। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेलफिश, इन में से बताइएगा कौन सी एग्जाम्पल है शेलफिश की, मुसल, ऑयस्टर, स्कैलॉप्स एंड ऑल ऑफ दी इबो। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर आएगा ऑल ऑफ दी इबो, क्योंकि जो मसल्स हैं ये भी बाइवेल्व मोलस्का हैं, ऑयस्टर जो है वो भी हैं, स्कैलॉप्स भी हैं, तो कुल मिलाकर इनको हम शेलफिश कहते हैं, ओके। अब देखो जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं किसके अंदर, इंडिया के अंदर फिशरीज के रिलेटेड, तो उन सभी को हमें डिस्कस करना है, पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में आप देखना इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में हमने इंस्टीट्यूटों के नाम भी यहाँ पे दिए हैं, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट हैं, जिस तरह सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन की बात है, CIFE। अब CIFE जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, इसका आंसर क्या आएगा। देखो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज है वो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन जो है ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। अब जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का है ये कहां पे है, ठीक है, CIFE, क्या हो गया ये CIFE, ये ओडिशा के अंदर है, किसके अंदर है ये ओडिशा के अंदर है, भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर ये है, ये 1987 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। अभी इसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर एस के स्वेन जो है अभी इसके डायरेक्टर हैं, ओके। उसके बाद सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, यहाँ जो है ये जो CMFRI, इसको हम कहते हैं CMFRI, ये जो है ये कोची केरला के अंदर है, ठीक है ना, कोची केरला के अंदर जो है ये CMFRI है, और इसके जो भी डायरेक्टर है वो है डॉक्टर ए गोपाला कृष्णा, डॉक्टर ए गोपाला कृष्णा जो है ये इसके डायरेक्टर है। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CIFRI, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि जो लोकेशन कहाँ पे है। अब ये जो है ये है बारकपुर वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है ना, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, और 1947 में ये एस्टेब्लिश की गई थी, डॉक्टर बी के दास जो है ये अभी इसके डायरेक्टर हैं। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी,
अब यहां समझ गए होंगे कि जो भी टेक्नोलॉजी है फिशरीज के ऊपर वो यहाँ ही पिलकती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी के अंदर। अब ये कहाँ पे हो सकती है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कोचीन केरला के अंदर, ठीक है ना, केरला के अंदर जो है ये है फिश टेक्नोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस जो है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसको हम कहते हैं NBFGR, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो कि 1983 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। द टर्म एक्वेरियम वाज कॉइनड बाई, एक्वेरियम टर्म जो है ये किसने कॉइन की थी, टर्म एक्वेरियम किसने कॉइन की थी? ये थे एक नेचुरलिस्ट जिनका नाम था फिलिप हेनरी गूस। ये जो थे ये एक नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने टर्म एक्वेरियम जो है वो कॉइन की थी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जो फर्स्ट फर्स्ट एक्वेरियम जो इन्वेंट किया था वो एक फ्रेंच बॉर्न नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था जीन विली प्रूस पावर, जिन्होंने फर्स्ट ग्लास एक्वेरियम जो है वो इन्वेंट किया था 1832 के अंदर, जो वो पास भी हो गया, ठीक, मतलब उसमें जो फिशेस थी वो लायो रही और उनकी ग्रोथ भी होती रही। ये 1832 की बात है। क्रेसल इज ए टाइप ऑफ एक्वेरियम विच इज बेस्ट फॉर, अब जो क्रेसल है, क्रेसल जो है एक टाइप है एक्वेरियम की, ये बेस्ट किसके लिए होती है? क्रेसल जो है आपको बताऊं ये एक सर्कुलर सेक्शन होता है जो कि सेंटर में ये क्या होता है, ये अलाउ करती है वाटर को जो फ्लो हो, ठीक है ना, वो सेंटर की तरफ फ्लो हो वाटर। और जो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जेलीफिश, ठीक है ना, जो जेलीफिश है जेलीफिश के लिए ये एक्वेरियम जो है बेस्ट है, उसका नाम क्या है, क्रेसल। एरेनकीमा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकीमा, एरेनकीमा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकीमा विच गिव स्पेशल एडॉप्टेशन टू। अब क्या होता है, एरेनकीमा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकीमा, ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं स्पॉन्जी टिश्यू जो क्रिएट करते हैं स्पेस या एयर चैनल। तो ये ज्यादातर देखा गया है जो हाइड्रोफाइट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स के अंदर ये मॉडिफिकेशन होती है। तो या अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करेंगे तो उसमें क्या आएंगे, एक्वेटिक प्लांट्स, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं ये इसका सही आंसर है। AICRP ऑन ब्रैकिश वाटर फिश फार्मिंग वॉज स्टार्टेड इन, AICRP के फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ये एक स्कीम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड आइडेंटिफिकेशंस। अब जो फर्स्ट सेंक्शन की गई थी ये ड्यूरिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान में, तो इसका जो आंसर आएगा ब्रैकिश वाटर की अगर हम बात करें, स्टार्ट हुई थी 1973 के अंदर, ठीक है, ब्रैकिश वाटर की जो होगी थी ये 1973 के अंदर ये स्कीम जो है ये स्टार्ट हो गई थी। और अगर हम बात करें रायवरीन की, रायवरीन की 1971 में, और कंपोजाइट फिश कल्चर प्लस फिश सीड प्रोडक्शन ये 1974 के अंदर। तो ब्रैकिश वाटर होता क्या है, ब्रैकिश वाटर को हम ब्रैक वाटर भी कहते हैं, ये नेचुरली ओकरिंग होती है और ये इसमें अक्सर तौर पे देखा गया है ये तब होता है जब फ्रेश वाटर जो है वो मीट करता है सी वाटर के साथ, तो हैविंग मोर सैलिनिटी देन फ्रेश वाटर। बट इसको हम देख सकते हैं कि जो ये ब्रैकिश वाटर होता है, ठीक है ना, ब्रैकिश वाटर की जो सैलिनिटी होती है ये लेस देन 30 होती है, ठीक है ना। तो ये है AICPR के बारे में, इसकी जो सैलिनिटी होती है ये ब्रैकिश वाटर वो कितनी होती है, लेस देन 30 PPT। केज सिस्टम इज पॉपुलर इन, देखो केज सिस्टम जो है ये केज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि फिश दैट कन्फाइंस द फिश इन ए मिश इनक्लोजर, जिसमें हम क्या करते हैं केज, जिस तरह से आप देखते हैं कि हम जेल में डाल देते हैं किसी को, इसी तरह एक केज बनाया जाता है, एक पिंजरा बनाया जाता है। अगर हम बात करें फिशेस की तो फिशेस को जाली जो है वो डाली जाती है, उसके अंदर इनको रखा जाता है ताकि इनकी जो फ्री मूवमेंट है वो बंद हो सके, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मैरीन जो है, मैरीन फिश फार्मिंग इसका सही आंसर है यहाँ पे, क्योंकि
अगर यहाँ पे फ्रेश वाटर होता तो भी उसका आंसर फ्रेश वाटर भी हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे फ्रेश वाटर का तो नाम लिखा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा मैरीन फिश फार्मिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो है डैश डैश इज द हाइब्रिड सिस्टम बिटवीन पोंड एंड केज सिस्टम। आप बताइए इनमें से कौन सा जो हाइब्रिड है बिटवीन पोंड एंड केज सिस्टम, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पेन कल्चर। क्या आएगा? पेन कल्चर जो है ये एक हाइब्रिड है। पेन कल्चर में क्या होता है, इसमें भी जो फिश है उसको फ्री सर्कुलेशन से परमिट किया जाता है। ओके उसके बाद Which type of aquaculture is based on the water replacement? इसमें आएगा running water farms। क्या आएगा? Running water farms जो है इसका सही आंसर है। What are the common fishes selected for pond culture system? इनमें से बताइए कौन से जो common है, जो common fishes जो select की जाती है pond culture system की, कतला कतला रूह है, cygnus migrella है, common carp है, grass carp है, ये इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है। देखो इसमें हमें जो इस सिलेबस के अंदर और जो चीजें हमें देखनी है, टच टच में रहना है, वो क्या है, हमें ये बताना है, समझना है, जानना है कि जो फाइव कंट्रीज हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश यील्ड, उसमें से जो चाइना है ये नंबर वन पे है, देख सकते हैं आप 58.8 मिलियन टन्स, इंडिया 9.46 मिलियन टन्स, इंडोनेशिया 6.10 मिलियन टन्स, पेरू 5.85 मिलियन टन्स, यूएस 5.36 मिलियन टन्स। ये वो फाइव कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश यील्ड। उसके बाद टॉप फाइव मेजर मैरीन कैप्चर स्पीशीज इन द वर्ल्ड। टॉप फाइव मेजर कौन सी हैं फिशेज वर्ल्ड के अंदर, सबसे पहले कौन सी है, एंकोविटा जिसका साइंटिफिक नाम है एंग्रुलस अरेंगिंस, दूसरा है अलास्का पोलोक जिसका जो साइंटिफिक नाम है चेल्कोग्रामस, फिर है स्किप जैक टूना कैटसुनस पिलामिस, फिर है अटलांटिक हिरेंज ग्लूपिया हेरेंजिस, फिर है ब्लू व्हाइटिंग माइक्रोमिस्टिस पोडस। ये पांच मैरीन कैप्चर स्पीशीज है वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा कैप्चर की जाती है, ये पांच याद रखना। ये क्या है, मैरीन, ये भी याद रखना, ये मैरीन है। उसके बाद टॉप मेजर फिन फिश स्पीशीज प्रोड्यूसर थ्रू एक्वाकल्चर। टॉप मेजर फिन फिश कौन सी हैं जो थ्रू एक्वाकल्चर प्रोड्यूस होती हैं, इसमें पहले नंबर पे आती है ग्रास कॉप, सिल्वर कॉप, नाइल टिलेपिया, कॉमन कॉप, बिग हेड कॉप, कतला कतला, कैलेशी स्पीशीज, एटलांटिक सैल्मन, स्ट्रिपेड कैटफिश। ये वो फिश है मेजर फिश जो प्रोड्यूस होती है एक्वाकल्चर के अंदर थ्रू एक्वाकल्चर। उसके बाद जो जानना है वो क्या है, टॉप मेजर शेलफिश स्पीशीज प्रोड्यूस्ड थ्रू एक्वाकल्चर, टॉप बतानी है, व्हाइट लेग श्रिंप, रेड स्वैम क्रैबफिश, चाइनीज मिटन क्रैब, जेंट टाइगर प्रॉन और ओरिएंटल रिवर प्रॉन, ठीक है ना। तो जो चीजें ज्यादा हो, मेजर हो, इंपॉर्टेंट हो, उनकी कम से कम एक बार बायोलॉजी पढ़नी चाहिए, उसकी पूरी फिजियोलॉजी पढ़नी चाहिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो भी आ सकता है वही आएगा जो मेजर में होंगी, ठीक है ना। माइनर से कोई नहीं लेता है, मेजर से लेते हैं, हर चीज मेजर से लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर आईएएस में अगर 100 बच्चा आईएएस में सिलेक्ट होता है ना, तो इंटरव्यू टॉप 10 ही का लेते हैं कि टॉप 10 जो है, इसलिए आपको ज्यादा जो पढ़ना है वही पढ़ना है जो टॉप है। टॉप मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फिशेस। अब एक्सपोर्टर की बात आई, जब एक्सपोर्टर की बात आई, चाइना तो अपनी जगह है, नॉर्वे है, वियतनाम है, थाईलैंड है और यूएसए है, ये जो है ये मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फिश है जो एक्सपोर्ट करते हैं फिश को, ठीक। अब हम बात करेंगे इंपोर्ट्स की, टॉप मेजर इंपोर्टर्स ऑफ फिश। इंपोर्टर की अगर हम बात करें, यूएसए नंबर वन पे है, जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, ये नंबर वन पे है। अब देखो इंपोर्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंपोर्टर का मतलब क्या होता है, जो अपने कंट्री से बाहर क्या करते हैं, बेचते हैं। यूएसए जो है बाहर बेचती है, जापान बेचती है, चाइना बेचती है, इटली बेचती है, फ्रांस बेचती है, ठीक है। रही हमें इंडिया वालों की बात, हमें खुद की तो नहीं मिलती खाने के लिए, हम बाहर क्या भेजेंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स,
थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा लेक्चर हो गया हमारा, अभी और लेक्चर इसी पे आने वाले हैं, कंटिन्यू लेक्चर आएंगे, क्योंकि एक दो दिन लेक्चर में नहीं डाल पाया क्योंकि वो लैपटॉप चार्ज नहीं था, लाइट की प्रॉब्लम थी। आप जानते हैं मौसम भी बड़ा खराब रहता है आजकल, मौसम ठीक है, लाइट भी ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं। आप जुड़े रहिए, आपको अच्छे से अच्छे पॉइंट समझने को मिलेंगे। अगर आप इस पे डिपेंड नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ कि आप लेक्चर्स पे डिपेंड रहो, आप पढ़ो और किताबें भी पढ़ो, लेकिन अपने आप को चेक करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए लेक्चर देखते रहिए कि कहाँ तक हमने पढ़ा है, कहाँ पे कुछ कौन सी चीजें रह गई हैं, तो ये चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, ये बात याद रखना। मैं कितना ही कोशिश करूं, कितना 100% अपना दे दूं, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं बन सकता। तो आप भी कितनी कोशिश करोगे, आप भी परफेक्ट नहीं बन सकते। तो इसलिए हम मिलजुल के काम करेंगे, जहां से आपको कुछ मटेरियल मिल रहा है, अच्छा मटेरियल आपके पास है, तो मेरी ईमेल है, इस ईमेल पे आप डाल दीजिए प्लीज। और किसी के पास भी कोई मटेरियल है वो आप डाल दीजिए, क्योंकि हम वो नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ से, हम वहां से भी सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। ASHFAQLONE45@gmail.com इस पे आप अपना मटेरियल जो है वो प्लीज, जिसके पास अच्छा मटेरियल वो भेज दे। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बेस्ट दूं, ठीक है, जितना भी हो सके मैं दूं। अभी हमारे पास इसके अंदर, इस जो लेक्चर है इसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है ना। जो टॉपिक है ना आपका एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर के अंदर हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अभी हमें एक्वाकल्चर के अंदर बात करें, हम एक्वाकल्चर की, तो इसमें हमें जो चीजें पढ़नी है नेक्स्ट वो है, अभी पोर्ट्स की प्रिपरेशन, मैनेजमेंट, कंट्रोल किस तरह करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है वीड्स, हमें पढ़ने हैं वीड्स के बारे में, प्रीडेटर्स फिशेज के बारे में, वीड फिशेज के बारे में, लाइमिंग किस तरह होती है, फर्टिलाइजेशन किस तरह होते हैं, सप्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पे मुझे लगता है अभी हमारा एक लेक्चर हुआ, इस पे हम कम से कम 3 लेक्चर और देंगे ताकि आपका पूरा फुल 100% आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है। तो कोशिश यही करूंगा कि मैं आपके सिलेबस के साथ चलूँ, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं सिलेबस से बाहर चलूँ, कोशिश यही है कि मैं आपके सिलेबस के साथ चलूँ। अब जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है, यहाँ पे मैंने अगर इंस्टीट्यूट की बात की, तो हर एक कल्चर, जो भी कल्चर होता है उसका इंस्टीट्यूट के साथ लिंक रहता है। अब मुझे नीचे बच्चे भी कमेंट करेंगे, हाँ सर सिलेबस के अंदर तो इंस्टीट्यूट का नाम नहीं था, आपने इंस्टीट्यूट के नाम क्यों दिए वो। अरे बाबा, ये आपको जो, अगर हम एक्वा कल्चर की बात कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, तो किसने किसी के साथ तो उसका लिंक तो होगा ना। फ्रेश वाटर की बात है तो फ्रेश वाटर का इंस्टीट्यूट है ना इंडिया के अंदर, जहाँ पे वो पूरा उस पर देखते हैं, नजर रखते हैं, तो मरीन की नजर रखते हैं, बड़े बड़े जो भी चीजें हैं। अगर हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो हमें प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है, तो ऊपर से आप बोल रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, जीन्स फिशेस के बारे में पढ़ना है, तो ये तो बनता है ना कि जो इसके जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो जेनेटिकली हैं, चाहे वो आपके और किसी हिसाब से हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखते रहिए लेक्चर, जहाँ आपको समझ ना आए आप कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, मेल आपको मैंने दी है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आपका सिलेबस में जनवरी की एंडिंग में खत्म कर दूँ, ठीक है। जनवरी में हम खत्म कर देंगे, फरवरी में हम और मॉक टेस्ट लेके आएंगे, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन मिल जाए। तो देखते रहिए टीचिंग बयाल जी, सब्सक्राइब कीजिए, जिन दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। ऐसा मत कीजिए कि नहीं मुझे मिल गया है, मैं ही पास हो जाऊं, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। अगर आपकी नीत में खोट होगी तो आप कभी कामयाब नहीं होगी, ये बात याद रखना, क्योंकि रोजी का रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह देने वाला है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे, अल्लाह उसे डबल आपके लिए अच्छा करेगा। तो आपको भी यही कहूंगा कि दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऐसा मत बोलो कि नहीं मेरा फ्रेंड ने फॉर्म भरा है, उसको मैं लेक्चर ना दूं क्योंकि वो पास हो जाएगा, मैं रह जाऊंगा। नहीं, ये आपकी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है किसी को पास करना, रोजी देना, ये अल्लाह अल्लाह रजाक है, वो खुद रोजी देता है, ठीक है। ओके, देखते रहिए टीचिंग बिहार जी, खुदा हाफिज़।